Why I love Rambol? यहाँ पर ऐसा क्या है? तो इसी को बताने के लिए मैं आ गया हूँ नॉर्थ गोवा के बिस्ट बीच, जिसे रशियन बीच भी कहा जाता है, और इसका नाम आपको तो पता ही है, रंबुल बीच है। तो यहीं पे चल के मैं आज आपको बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाई आई लव रंबुल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। अगर बात की जाए रंबुल बीच की, तो मैं इसलिए पसंद करता हूँ रंबुल बीच को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आज़ादी है। आज़ादी मतलब यहाँ पर आपको पुलिस परेशान करने वाली नहीं है। जैसा कि नॉर्थ गोवा के बागा एंड कलंगुट पे आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस डे बाय डे या फिर हर दिन किसी न किसी को पकड़ती और परेशान करती रहती है। वैसे नॉर्मली पब्लिक को रूल्स भी नहीं पता होते हैं, तो गोवा आने से पहले आप लोगों को रूल्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रूल्स नहीं पता होगा तो बहुत ज़्यादा पुलिस के चक्कर में भी पड़ जाओगे, और आपको यहाँ से आने से पहले कुछ सतर्क रहना है, क्योंकि स्कैमर्स भी आपको पूरे गोवा में हर जगह मिल जाएंगे। जितने अच्छे लोग हैं उतने ही गंदे लोग भी गोवा में आपको मिल जाएंगे, बट लोकल पीपल यहाँ के बहुत अच्छे हैं। आई लव टू मच, और रंबुल को इसी कारण से मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना पुलिस की पाबंदी है, बिल्कुल आज़ादी है। आपको बीच बेड्स में बैठ के पीना है या बीच पे चलते हुए पीना है, फुल मज़ा, फुल आज़ादी। इसीलिए मुझे रंबुल बीच बहुत पसंद है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीच इन नॉर्थ गोवा टूरिस्ट प्लेसेज नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज नॉर्थ गोवा, फेमस प्लेसेज, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और ये वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी आप नॉर्थ गोवा में के रंबुल बीच में, इस रशियन बीच में आओगे, तो यहाँ पे रशियन ही रशियन दिखेंगे, और यहाँ पर इंडियन लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, जिससे आप चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, क्योंकि इंडियन लड़के लड़के बहुत शर्माते हैं, तो इसलिए चाहे आप लड़के हों या लड़कियाँ हों, आप फुल मस्ती एंड फुल मज़ा कर सकते हैं नॉर्थ गोवा के रंबुल बीच पर। इसीलिए मैं इस बीच को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आई होप आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे मांडरम बीच की तरफ चल के और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँगा।